हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर। और न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या देखने जा रहे हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग बना देते हैं। क्या देते हैं? फंक्शन ओवर लोडिंग। क्या देखने जा रहे हैं? फंक्शन ओवर लोडिंग। चलिए हम लोग फंक्शन ओवर लोडिंग में पहले जानते हैं कि फंक्शन ओवर लोडिंग फंक्शन किसे कहते हैं। तो क्या देखने जा रहे हैं? फंक्शन ओवर लोडिंग। तो फंक्शन ओवर लोडिंग में पहले क्या देखेंगे? फंक्शन ओवर लोडिंग फंक्शन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? दोज फंक्शन, वह फंक्शन जिसके पास विच हैव सेम नेम बट डिफरेंट टाइप्स पैरामीटर एंड आर्गूमेंट फंक्शन, जो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग फंक्शन ओवर लोडिंग बोलते हैं। फंक्शन ओवर लोडिंग फंक्शन किसे बोलेंगे? वह फंक्शन जिसके पास क्या होता है? सेम नेम, मतलब एक ही प्रकार के क्या होता है? एक ही प्रकार के नाम होता है, लेकिन उसके पास क्या होता है? डिफरेंट टाइप क्या होता है? आर्गुमेंट एंड पैरामीटर फंक्शन होता है। फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? अलग अलग प्रकार के, लेकिन उसका जो नाम होता है वह क्या होता है? फंक्शन का जो नाम होता है वह क्या होता है? सेम होता है, लेकिन उसके पास जो आर्गुमेंट फंक्शन और क्या होता है? पैरामीटर फंक्शन होता है वो क्या होता है? अलग अलग प्रकार के होता है। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे हम लोग फंक्शन ओवर लोडिंग कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवर लोडिंग कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लिख के समझते हैं कि फंक्शन ओवर लोडिंग फंक्शन किसे कहते हैं। फंक्शन ओवर लोडिंग फंक्शन किसे बोलते हैं? दोज फंक्शन वह फंक्शन विच हैव सेम नेम बट लेकिन डिफरेंट टाइप्स पैरामीटर एंड आर्गुमेंट फंक्शन इज नॉन एज फंक्शन ओवर लोडिंग। क्या बोल रहे हैं? फंक्शन ओवर लोडिंग कैसे बोलते हैं? तो क्या बोल रहा है? वह फंक्शन या तो वे फंक्शन विच हैव जिसके पास सेम नेम, जिसके पास क्या होता है? एक ही नाम होता है, बट लेकिन क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स आर्गुमेंट फंक्शन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डिफरेंट टाइप, जिसके पास होता है क्या? डिफरेंट टाइप आर्गुमेंट फंक्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग फंक्शन ओवर लोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवर लोडिंग। तो ये क्या हो गया हम लोग का? फंक्शन ओवर लोडिंग हो गया। ये क्या हो गया? फंक्शन ओवर लोडिंग। एंड इन अदर वर्ड, क्या और दूसरे शब्दों में और क्या हो सकता है? द फंक्शन ओवरलोडिंग द फंक्शन ओवरलोडिंग इज नॉट इज नो टू ओवर लोडेड पैरामीटर फंक्शन। क्या बोल रहा है कि फंक्शन ओवरलोडिंग हैव नॉट टू ओवरलोडेड फंक्शन हैविंग सेम पैरामीटर फंक्शन। तो क्या बोल रहा है कि एक ही पैरामीटर फंक्शन
क्या फंक्शन ओवरलोडिंग हैव नॉट टू ओवरलोडेड फंक्शन हैविंग सेम पैरामीटर फंक्शन, मतलब सेम पैरामीटर फंक्शन के पास पास क्या होना चाहिए, दो क्या ओवरलोडेड फंक्शन नहीं होना चाहिए, किसने दो प्रकार के टू ओवरलोडेड फंक्शन नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग इसको एग्जांपल से समझते, एग्जांपल से बढ़िया समझ में आएगा। जैसे हम लोगों ने क्या ले लिया, जैसे एग्जांपल में ले लिया हम लोग, एग्जांपल में ले लिया हम लोग इंट, इंट क्या ले लिए, इंट इंट। अब हम लोग क्या ले लिए, जैसे हम लोग क्या ले लिए फंक्शन का नाम, क्या फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम हम लोग लिख लिए द आई एम, फंक्शन का नाम क्या लिख लिए द आई एम, और फंक्शन में क्या दिए फंक्शन दिए। अब दूसरा क्या दिए, अब दूसरा दिए द आई एम, द आई एम इंट इंट ए, इंट ए। अब फिर हम लोगों ने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा, फिर उसमें फिर दिया द आई एम, फिर क्या दिया इंट ए कॉमा इंट इंट बी, फिर हम लोगों ने क्या दिया, फिर एक फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, एंड फिर दिया इंट ए इंट बी इंट इंट सी ईटीसी। और क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे प्रोग्राम को क्या रोक दिया, तो क्या बोल रहा है कि दोज फंक्शन विच हैव सेम नेम, विच हैव सेम नेम, क्या हम लोगों के पास कितना चार प्रोग्राम, हम लोगों ने कितना लिखा चार, एक दो तीन और चार, बट डिफरेंट पैरामीटर एंड आर्गुमेंट फंक्शन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग पैरामीटर और आर्गुमेंट फंक्शन बोलते हैं, पैरामीटर और आर्गुमेंट फंक्शन बोलते हैं। इंटीजर ए इंटीजर बी ये सब क्या हो गया हम लोग का पैरामीटर फंक्शन हो गया, उसे क्या बोलेंगे फंक्शन ओवर लोडिंग बोलेंगे। फंक्शन ओवर लोडिंग कैसे बोलेंगे, उसे बोलेंगे जिसके पास क्या होता है एक ही प्रकार के नाम, नाम क्या है सेम है द एम द एम द एम द आई एम, और उसका फंक्शन में क्या है कि फंक्शन जो क्या है फंक्शन में अलग प्रकार के क्या है आर्गुमेंट फंक्शन है क्या पैरामीटर फंक्शन होते हैं। पैरामीटर फंक्शन में देखिए इंट है फिर इंट बी है फिर इंट ए बी सी, इसी प्रकार क्या होता है बढ़ते जाता है, तो फंक्शन अलग अलग प्रकार के होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग फंक्शन ओवर लोडिंग कहते हैं, फंक्शन ओवर लोडिंग कहते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का फंक्शन ओवर लोडिंग। फंक्शन ओवर लोडिंग कैसे बोलेंगे, वह फंक्शन जिसके पास क्या होता है एक ही प्रकार के नाम होता है, विच हैव सेम नेम, जिसके पास एक ही प्रकार के नाम हो लेकिन बट डिफरेंट टाइप्स पैरामीटर फंक्शन, ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं पैरामीटर फंक्शन बोलते हैं, क्या मिलते हैं पैरामीटर फंक्शन बोलते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसे हम लोग फंक्शन ओवर लोडिंग बोलेंगे। फंक्शन ओवर लोडिंग उसे बोलेंगे जो जिसके पास क्या होता है नाम एक ही प्रकार के होता है लेकिन क्या होता है पैरामीटर जो फंक्शन होता है और आर्गुमेंट फंक्शन होता है जो क्या होता है अलग अलग प्रकार का, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग फंक्शन ओवर लोडिंग बोलेंगे। तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं क्या चाहिए एग्जाम्पल, किसका फंक्शन ओवरलोडिंग है, किसका फंक्शन ओवरलोडिंग का। तो क्या बोल रहा है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग में हम लोग क्या देखेंगे कि राइट राइट ए राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू टू डिस्प्ले, टू डिस्प्ले सम, टू डिस्प्ले ऑफ डिस्प्ले सम ऑफ टू थ्री सम, या तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं सम प्रोडक्ट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन डिवीजन या तो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है गुणा, डिवीजन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू और थ्री नंबर by using function ओवर लोडिंग। किसका एग्जांपल देखने जा रहे हैं हम लोग, फंक्शन ओवर लोडिंग, जिसमें क्या बोल रहा है कि एक प्रोग्राम लिखिए राइट ये प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ टू और थ्री नंबर, दो और तीन नंबरों का सम क्या बोल रहा है डिस्प्ले टू और थ्री नंबर, डिस्प्ले सम ऑफ टू और थ्री नंबर
बाय यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रयोग करके, क्या फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रयोग करके आपको क्या करना है, दो और तीन नंबरों का क्या करना है आपको, सम ज्ञात करना है, डिवीजन ज्ञात करना है, तो मल्टीप्लिकेशन आप तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन या तो सब्ट्रैक्शन या तो डिवीजन या तो प्रोडक्ट ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को लिखना प्रारंभ करते हैं। तो क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का, हेडर फाइल का, जिसमें हम लोग का पहला हेडर फाइल क्या होता है, हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड studio.h। उसके बाद हम लोग का दूसरा हेडर फाइल क्या था, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, इंटीजर। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, पैरामीटर फंक्शन, या तो क्या पैरामीटर फंक्शन, जिसमें हम लोग क्या देते हैं द, जिसमें हम लोग ले लेते हैं फंक्शन का नाम क्या ले लेते हैं, द आई एम, क्या ले लेते हैं द आई एम, जिसमें हम लोग क्या दे देंगे, इंटीजर। ये क्या हो गया हम लोग का आर्गुमेंट फंक्शन, क्या ये क्या हो गया, इंटीजर ए ले लेते हैं, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर ए और इंटीजर बी। उसके बाद क्या ले लेते हैं हम लोग लेते हैं इंट, क्या इंट मेन। उसके बाद क्या ले लेते हैं इंट मेन, ये क्या हो गया हम लोग का इंट मेन। उसके बाद क्या होगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग का इंट, क्या हो जाएगा इंट में, क्या इंट ए और बी। फिर उसके बाद ओपन कर्ली ब्रेसेस, क्या आएगा हम लोग का ओपन कर्ली ब्रेसेस। फिर क्या आएगा, ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर्ली, ये ओपन कर्ली ब्रेसेस में क्या होगा हम लोग का प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज परसेंट डी स्लाइस एन डबल क्वाट्स, फिर कॉलन कैस कोमा, फिर उसके बाद ए प्लस बी। उसके बाद क्लोज कर ली ब्रेसेस। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इंटीजर कीवर्ड का प्रयोग करेंगे, इंटीजर कीवर्ड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन फंक्शन का प्रयोग करेंगे, फिर पैरेंथेसिस, फिर ओपन कर्ली ब्रेसेस, फिर उसके बाद हम लोग क्या देते हैं CLR SCR, फिर पैरेंथेसिस, फिर सेमी कॉलन। उसके बाद क्या देते हैं हम लोग देते हैं हम लोग का जो है, ये क्या हो गया हम लोग का पैरामीटर, क्या पैरामीटर फंक्शन, ये सब क्या हो जाएगा हम लोग का पैरामीटर। तब हम लोग क्या देते हैं फंक्शन नाम, क्या फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम क्या होगा, फंक्शन का नाम हम लोग का क्या है, द आई एम। उसका वैल्यू रख देते हैं हम लोग कितना, 80 प्लस 40। उसके बाद क्या देते हैं हम लोग देते हैं गेट सी एच, फिर क्लोज कर ली ब्रेसेस। तो ये क्या हो गया हम लोग का प्रोग्राम तैयार हो गया, किसका फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या बोलता है कि उसे हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग फंक्शन कहते हैं, जो क्या करता है, जिसके पास क्या था एक ही नाम होता है, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर फंक्शन और आर्गुमेंट फंक्शन। ये क्या हो गया हम लोग का पैरामीटर फंक्शन, क्या हो गया पैरामीटर फंक्शन, ये क्या हो गया हम लोग का आर्गुमेंट फंक्शन, क्या आर्गुमेंट फंक्शन। तो क्या बोल रहा है कि फंक्शन ओवरलोडिंग किसे बोलेंगे, जिसके पास क्या हो एक ही प्रकार का नाम हो पर डिफरेंट पैरामीटर फंक्शन और आर्गुमेंट फंक्शन हो, डिफरेंट पैरामीटर फंक्शन और आर्गुमेंट फंक्शन, उसे क्या बोलते हैं हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो जिसमें हम लोग का क्या हो गया ये हम लोग का हो गया प्रोग्राम, किसका फंक्शन ओवरलोडिंग का। अगर आप इसको क्या कीजिएगा, रन करने के बाद में आपको क्या होगा कि आपके पास क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज कितना आएगा,
80 प्लस 40 इक्वल टू कितना आ जाएगा 120, क्या 120। यदि यही आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्या कि आप यहाँ पे प्लस के जगह पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, तो यही पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 80 माइनस 40 इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। कब आ जाएगा, जब आप क्या कीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, और जब क्या कर दीजिएगा आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, प्रोडक्ट कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज कितना आ जाएगा 8 × 32, 3200 कितना जाएगा 3200 का, जब प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ये हो गया हम लोग का सब्सट्रैक्शन करने के बाद, ये क्या हो गया प्रोडक्ट के बाद, और जब डिवीजन करेंगे तो कितना जाएगा, डिवीजन कितना 80, क्या 80 को भाग देंगे कितना से 40 से, क्या 80 को भाग देंगे 40 से, कितना जाएगा हम लोग का, हम लोग का डिवीजन कितना जाएगा, डिवीजन हम लोग का आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना जाएगा 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या क्या आता है, फंक्शन ओवरलोडिंग में कहता है कि नाम क्या होता है एक ही होता है, लेकिन उसका जो पैरामीटर फंक्शन और आर्गुमेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है अलग होता है, क्या मतलब मोर देन एक से अधिक होता है या तो अलग अलग होता है, जो क्या होता है डिफरेंट, जिसके पास क्या हो डिफरेंट पैरामीटर एंड आर्गुमेंट फंक्शन उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जिसके पास क्या होता है सेम नेम, जिसके पास फंक्शन का नाम क्या हो सेम हो, लेकिन उसके पास क्या हो कि पैरामीटर और आर्गुमेंट फंक्शन क्या हो अलग अलग हो, तो ये तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग बोलेंगे। अब क्या होगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग में हम लोग 2 नंबर का देख लिया, अगर अब हम लोग क्या करना चाहते हैं 3 नंबर को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर कॉमा लगा के यहाँ पर क्या कर देंगे इंट बी कर देंगे, इंट सी कर देंगे, क्या कर देंगे इंट सी, इंट सी, उसके बाद यहाँ क्या कर देंगे द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इज, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग कर देंगे, यहाँ पर अगर सम ज्ञात करना है तो यहाँ पर कर देंगे सी सी, उसके बाद क्या कर देंगे यहाँ पर भी एक वैल्यू बढ़ा देंगे कितना 80 40 प्लस 20, फिर क्या कर देंगे सेमी कॉलन, तो अगर आप रन कीजिएगा तो कितना जाएगा हम लोग आपके, तो आपको क्या दिखाएगा, आपको दिखाएगा 80 + 40 + 20, 80 + 40 = 120, 120 + 20 = कितना जाएगा 140, कितना जाएगा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 140। तो क्या हो रहा है कि जिसके पास एक ही नाम हो, क्या जैसे द आई एम क्या हो गया एक नाम हो गया, और डिफरेंट पैरामीटर एंड आर्गुमेंट फंक्शन उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं, तो ये क्या हो गया हम लोग का फंक्शन ओवरलोडिंग। चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं, तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग का, किसका फंक्शन ओवरलोडिंग का, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, जिसमें क्या बोल रहा है कि राइट ये प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ 2 नंबर और 3 नंबर मोर देन 2, 3, 4 नंबर बाय यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या बोल रहा है कि एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है आपको, और उसमें क्या करना है 2 नंबरों या 2, आप जितना नंबर ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, और क्या करना है उन सभी नंबरों को क्या ज्ञात करना है आपको, सम ज्ञात करना है, प्रोडक्ट ज्ञात करना है, या तो डिवीजन ज्ञात करना है, या तो मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करना है, आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, तो क्या करना है, तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, हम लोग को सम ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे सम ज्ञात करने के लिए प्रोग्राम लिख के हम लोग को क्या ज्ञात करना है, जोड़ ज्ञात करना है। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग लिखना प्रारंभ करते हैं, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग कोडिंग सी एफ्स को खोलेंगे, कोडिंग सी एफ्स को खोलने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार आएगा। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग जो होगा उसको क्या कर देंगे इरेज कर देंगे, या तो मिटा कर देंगे, या तो उसको डिलीट कर देंगे, और क्या करेंगे प्रोग्राम को फिर से लिखेंगे, क्या करेंगे फिर से लिखेंगे। तो क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को, तो क्या करते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग का हेडर फाइल क्या होता है, जिसमें हम लोग का पहला हेडर फाइल क्या आता है, जिसमें हम लोग का पहला हेडर फाइल आता है हैश, क्या हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड, उसके बाद क्या आता है ओपन टैग एंड क्लोज टैग, उसके बाद क्या लेता है ओपन एंड क्लोज टैग में हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडियो डॉट एच, क्या स्टूडियो डॉट एच,
उसके बाद हम लोग का दूसरा हेडर फाइल क्या आता है, हम लोग का दूसरा हेडर फाइल आता है हैश, हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड, फिर ओपन टैग, फिर क्लोज टैग। ओपन टैग और क्लोज टैग में क्या लिखा था हम लोग का, कोन्यू डॉट एच, क्या कोन्यू डॉट एच। उसके बाद क्या लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग लेते हैं, उसके बाद हम लोग लेते हैं इंटीजर, क्या लेते हैं एक इंटीजर, इंटीजर। और फिर क्या लेते हैं एक हम लोग फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं फंक्शन का नाम देते हैं। जिसमें हम लोग क्या देते हैं, जिसमें हम लोग फंक्शन का नाम देते हैं, क्या देते हैं फंक्शन का नाम देते हैं। तो फंक्शन का नाम हम लोग क्या दे देते हैं, फंक्शन का हम लोग नाम दे देते हैं द आई एम, क्या दे देते हैं द आई एम। उसके बाद हम लोग क्या देते हैं ओपन, क्या ओपन, क्या पैरेंथेसिस का प्रयोग करते हैं, क्या चीज़ का पैरेंथेसिस का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग क्या देते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग क्या लेते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर ले लेते हैं हम लोग, हम लोग लेते हैं इंटीजर, इंटीजर ए, इंटीजर ए, फिर कोमा, फिर क्या कोमा, फिर इंटीजर बी, इंटीजर बी, इंटीजर ए, इंटीजर बी। उसके बाद क्या देते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस, जिसके बीच में हम लोग क्या देते हैं डिस्प्ले करते हैं, क्या करते हैं डिस्प्ले करते हैं। तो डिस्प्ले हम लोग क्या करते हैं वैल्यू ऑफ इंटीजर ए एंड बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट द, द वैल्यू, द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ ए एंड, ए एंड बी, बी इज, ए एंड बी इज परसेंट डी, परसेंट डी स्लाइस एन, परसेंट डी स्लाइस एन, स्लाइस एन, फिर कोमा, उसके बाद क्या देंगे ए प्लस, ए प्लस बी, ए प्लस बी, उसके बाद क्या देंगे हम लोग इंटर दबाएंगे, फिर नीचे आएंगे, उसके बाद हम लोग क्या देंगे इंटीजर देंगे, क्या देंगे इंट देंगे, क्या देंगे इंट, कीवर्ड देंगे, क्या देंगे कीवर्ड, कीवर्ड कीवर्ड कौन सा देंगे इंटीजर। उसके बाद क्या देंगे मेन, फंक्शन देंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद क्या प्रयोग करते हैं हम लोग ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस, ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस, जिसके अंदर, इसके अंदर क्या लिखते हैं हम लोग पैरेंथेसिस का वैल्यू देते हैं, जिसमें हम लोग क्या दे देंगे फंक्शन का वैल्यू। उसके बाद क्या प्रयोग करते हैं ओपन करली ब्रेसेस के बाद क्या प्रयोग करते हैं सी एल आर एस सी आर, सी एल आर एन एस सी आर, फिर पैरेंथेसिस, क्या पैरेंथेसिस, फिर सेमीकोलन। उसके बाद हम लोग क्या देते हैं जो हम लोगों ने क्या किया फंक्शन क्रिएट किया, क्या किया जो हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट किया है उसका वैल्यू, जो हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट किया वो वैल्यू कौन सा है द आई एम, द आई एम, फिर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर क्या दे देंगे वैल्यू दे देंगे, जिसमें हम लोग इंटीजर ए का वैल्यू दे देते हैं 56, फिर क्या देते हैं कॉमा 56 कॉमा 54, 56 कॉमा 54, फिर सेमी कॉलन, फिर इंटर दबाते हैं, फिर क्या देंगे हम लोग, फिर हम लोग देंगे गेट, गेट सी एच, क्या गेट सी एच, फिर सेम पैरेंथेसिस, फिर सेमी कॉलन, फिर क्या सेमी कॉलन, और फिर ये हो गया हम लोग का प्रोग्राम तैयार। तो जिसमें आप देख सकते हैं तो क्या बोलता है कि हम लोग क्या देख रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि नाम सेम रहता है लेकिन जो उसका पैरामीटर और जो आर्गुमेंट फंक्शन होता है, क्या होता है जो पैरामीटर होता है और आर्गुमेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है अलग अलग। तो हम लोग का नाम क्या है, नाम द आई एम है, क्या
द आई एम आर्गुमेंट फंक्शन कौन हो गया, इंटीजर ए बी, ए क्या हो गया हम लोग का आर्गुमेंट हो गया, क्या हो गया आर्गुमेंट हो गया, जिसमें हम लोगों ने क्या लिया आर्गुमेंट ए, इंटीजर ए ले लिया आर्गुमेंट में, आर्गुमेंट और पैरामीटर फंक्शन में क्या ले लिए इंटीजर बी ले लिए। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, इसका सम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग किसे बोलेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग इसे बोलते हैं जो क्या करता है, जो क्या होता है कि एक ही नाम होता है, जो फंक्शन होता है फंक्शन का नाम क्या होता है एक ही होता है, लेकिन उसका जो पैरामीटर और जो आर्गुमेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है डिफरेंट होता है, क्या होता है अलग अलग होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, नाम तो हम लोगों का सेम है द एम, इसका पैरामीटर और आर्गुमेंट फंक्शन जो है सो क्या है अलग अलग है। तो चलिए हम लोग क्या हो गया तैयार हो गया, तो चलिए हम लोग इसको रन करते हैं। रन करने बाद हमारा प्रोग्राम सही रन हुआ, जिसमें क्या दिखा रहा है द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 110, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या दिया था, सम क्या किया था 56 प्लस 54, तो इसमें क्या आ गया था हम लोग का, हम लोग का आ गया था 56, तो क्या आ गया था हम लोग का 110। चलिए अब हम लोग तीन नंबर कर देते हैं, क्या कर देते हैं तीन तो पैरामीटर और आर्गुमेंट फंक्शन कर देते हैं, जिसमें मध्य पर दे देते हैं इंटीजर सी, इंटीजर सी, इंटीजर सी कर देते हैं, और क्या कर देते हैं इंटीजर सी कर देते हैं, और यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी हम लोग प्लस, यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देते हैं प्लस सी कर देते हैं, प्लस सी, और यहाँ भी क्या कर देते हैं द वैल्यू ऑफ ए ए ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, और यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ पर भी हम लोग एक वैल्यू बढ़ा देते हैं, सी का वैल्यू बैठा देते हैं, तो सी का वैल्यू हम लोग यहाँ क्या दे देते हैं, सी का वैल्यू हम लोग दे देते हैं यहाँ पर, सी का वैल्यू हम लोग दे देते हैं यहाँ पर क्या दे देंगे, सी का वैल्यू हम दे देते हैं यहाँ पर हम लोग 90। तो हम लोग को टोटल कितना आना चाहिए 56, 54 और 90 इक्वल टू कितना आना चाहिए 200 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 200 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो लिखा रहा है द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू 200। तो क्या बोलता है फंक्शन ओवरलोडिंग में हम लोग को यही बोलता है कि उसका नाम क्या होना चाहिए, फंक्शन का नाम होना चाहिए सेम, लेकिन जो उसका पैरामीटर और आर्गुमेंट फंक्शन हो वो क्या हो अलग अलग हो, जैसे इंटीजर ए ले लिए, इंटीजर बी ले लिए और इंटीजर सी ले लिए। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर यहाँ आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर अगर आपको सम ज्ञात करना है तो प्लस कर दीजिए, अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या कर देना है आपको तो स्टार का साइन दे देना है, डिवीजन करना है तो आपको क्या करना है डिवीजन का साइन दे देना है, और मल्टी और सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन का साइन दे देना है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्शन का साइन दे देते हैं, क्या देते हैं सब्ट्रैक्शन का साइन दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का जो वैल्यू होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110 में 90 माइनस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको रन करते हैं, रन करने के बाद में क्या हुआ कि हम लोग का जो वैल्यू था कितना 56 और 54 का वो को टोटल कितना आया था 110, और जब उसको माइनस कर दिया 90 तो कितना आ जाए 20। तो ये क्या हो गया हम लोग का फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल, क्या हो गया एग्जांपल किसका फंक्शन ओवरलोडिंग का।